फ्रेंड्स नमस्कार सबको। वैसे मैंने वादा किया था आपसे कि एक हफ्ते का रेस्ट लेंगे 2020 वाले बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो वो रेस्ट पूरा हुआ। आई होप आपने इस रेस्ट को पूरा एडवांटेज लिया होगा। रेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट रेस्ट। बॉडी की रेस्ट की ज़्यादा बात नहीं थी, बात थी कि मेंटल रेस्ट। मन में इतने विचार चल रहे थे कि भैया कैसे होगा, हाय राम एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है न्यूज़ आ रही हैं VIT एग्ज़ाम बिल्कुल ही एबोलिश हो गया है, बोर्ड के नंबर से लेंगे, ऐसे सपने मत देखना कि JEE मेंस का भी एबोलिश हो जाएगा और JEE एडवांस का एबोलिश हो जाएगा। हाँ, JEE एडवांस वालों ने ये कहा है कि इस बार वो बोर्ड के एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट थी उसको वो शायद नहीं लेंगे, जो पहले 75% होती थी। तो प्लीज़, ठीक है, तो मेंटल रेस्ट देना था। आई होप जिन लोगों ने दिया होगा वो एनर्जी से पूरे भरे हुए होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि आगे की प्लानिंग शेयर करनी है। तो मैंने सोचा है कि आप 30 जुलाई तक की प्लानिंग की बात करें। ठीक है जी, 30 जुलाई तक पहली चीज़ पहले JEE मेंस की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमारा चल ही रहा है लाइव वेबिनार, कल से मंडे से शायद ही रात को वीडियो हो, मुझे नहीं मालूम कब ये वीडियो वॉच कर रहे हो। मैं डेट बता सकता हूँ, 13 जुलाई मंडे से ये वीडियो लाइव होंगी या प्रीमियर होंगी, वो मेरी टीम जाने, मैं उनसे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, और लगातार 30 जुलाई तक चलेंगी। क्या है ये, फिर रिपीट कर दूँ, ये JEE मेंस के जो बचे हुए टॉपिक हैं, 42 वीडियोस पहले हो चुकी हैं, 18 वीडियोस रह गई हैं, तो 13 से शुरू करेंगे, 30 जुलाई तक ख़त्म हो जाएंगी। डेली आपने, अब पहले 2 वीडियो होती थी पर वीक, अभी पर डे, अभी 1 वीडियो होगी पर डे। और जो भी टॉपिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मेरे हाथ में लिस्ट है, मैं यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं अभी, जो है आपको बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम से, अभिषेक है, वरुण है, जो इसके सबको आपके शेयर कर देंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के, जिससे कि आप उनको थोड़ा सा पहले रिवाइज़ कर लो, थोड़ा टॉपिक को देख लोगे, फेमिलियरिटी हो जाएगी और हम उसको एक तरह से कंसोलिडेट कर देंगे और इसको स्टैम्पिंग कर देंगे, चीज़ें पक्की हो जाएंगी। पहला काम, वॉच वीडियोस बहुत ध्यान से, जो भी है, वीडियो है, लाइव है, प्रीमियर है, ये सब छोड़ो, आपको सिर्फ देखनी है। मेरे ख्याल टाइम भी देख लेना, शायद 11:30 बजे से है, 11 बजे से है, यार मैं लॉजिस्ट में नहीं आता हूँ, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको बिल्कुल एक चार्ज रखना, रिजुविनेटेड फॉर्म में रखना। ठीक है बेटा जी, अब दूसरी बात आती है, मैंने एक और डिसीजन लिया है, मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, डिसीजन पूरी टीम लेती है, कि अभी नेक्स्ट 30th या 2 वीक तक, 30 जुलाई तक कोई टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट नहीं डालेंगे JEE मेंस का। यार हर वक्त साली नंगी तलवार सिर पर बच्चे के टांग देते हो, ये तलवार सी साली टंग रही है नंगी, तो आदमी ना बच्चा बहुत स्ट्रेस में चला जाता है। तो मैंने उनसे कहा टेस्ट बंद करो, बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स रहने दो। क्या करना है, लेकिन जो आपके जनवरी मेंस हुआ, जो आपने दिया, ज़्यादातर लोगों ने दिया, दूसरा फिर पीछे जाएंगे 2018 के जो मेंस हुए, मानता हूँ वो 30 क्वेश्चन के मेंस थे, लेकिन वो NTA के द्वारा नए सिस्टम में थे, कि जहाँ पे जनवरी मेंस हुआ 2018 में, फिर अप्रैल में जनवरी 18 में मेंस हुआ, तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे पेपर हैं, 16 पेपर हैं, उनको पेपर को देखें, जनवरी मेंस के देखें, काफ़ी सारे पेपर बन जाते हैं, मेरे ख्याल 8 या 24 पेपर बन गए, नंबर मुझे केवर नहीं मालूम होता है, फिर नंबर पे अब एवरेज बच्चा क्या कर रहा है, नंबर को पकड़े बैठ जाएगा, भैया आपको नंबर तक नहीं मालूम क्या करोगे, नहीं मालूम तू क्या करेगा। ये सब चीज़ें मत पढ़ो, जो इन सब चीज़ों के उल्टे क्वेश्चन के उल्टे जवाब, पुट्ठे क्वेश्चन के पुट्ठे जवाब। ठीक है, तो आप क्या करो, इन पेपरों को देखो। हमने 2019 के तो सब्जेक्ट वाइज और दूसरा का टॉपिक वाइज भी आपको दे रखे हैं, आपके LMS में पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं भी है कोई बात नहीं, एक चीज़ को पकड़ो, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन है, जो ये 3 सेटअप पेपर में आया, 3 सेटअप पेपर कौन से हैं, जनवरी मेंस 2018, अप्रैल मेंस 2018, जनवरी मेंस 2019, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकता हूँ, क्या गलती होती है। आज मैं एक लाइव क्विज ले रहा था, उसका ऑर्गेनिक हैलाइड का, तो बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा था कि टर्शरी में अल्काइल हैलाइड में जब अल्कोहलिक KCN डालेंगे तो एलिमिनेशन होगा, अल्काइल हैलाइड डालेंगे एलिमिनेशन होगा, इतनी छोटी छोटी चीज़ उनको नहीं याद रहती हैं, तो इसी वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन गलत होता क्यों है, जब आप मेहनत कर रहे हो, 2 साल से लगे हुए हो, 3 साल से लगे, फिर क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप इस चीज़ को सोचते नहीं हो कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है।
सोचते नहीं हो कि कहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ, किस एलिमेंट से मेरे अंदर था जो क्वेश्चन गलत हो गया। तो वो तब देखो, अब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन उठाओ, आप कैलकुलस का क्वेश्चन उठाओ, आप इलेक्ट्रोडाइनमिक्स से क्वेश्चन उठाओ, और मैकेनिक्स उठाओ, नॉन मैकेनिक्स उठाओ, तो ये आप 17 दिन आगे एक एक पेपर को लेके, जितने पेपर बन रहे हैं एक दिन में 2 पेपर भी कर सकते हैं, एक वेबिनार होगा 2 घंटे का होता होगा, 1.5 घंटे का, ये करो। और बिल्कुल एक लिस्ट बनाओ कि भाई टॉपिक लिख लो एक बार, बल्कि एक दिन बैठ कर टॉपिक लिख लो, किसके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, फिर देखो कितने कितने क्वेश्चन आए। हम दे दें सब कुछ, भैया आप प्रोवाइड कर दो, आप ब्लूप्रिंट बना दो कि भाई मुन्ना भैया करते रहते हैं, नरेंद्र सर करते रहते हैं, और हमारी टीम करती रहती है। अभी देखो मैंने देखा था अभी एक वीडियो देख रहा था इंटीग्रेशन की, उसमें भैया आए हमारे, वो लिख रहे थे भी देखो 2018 में ये कैलकुलस का क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन का ये आया, साला हम सब कुछ कर लें तुम्हारे लिए, भैया फिर गुस्से हो गए। अरे गुस्से इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारा मन चाहता है कि बस पका पका ही दे दें, खाना भी खाने को तैयार नहीं हो तुम। तो एक बार खुद करो 16-17 दिन कि यार कौन कौन से क्वेश्चन आए, पेपर को सामने रखे, कौन से मेरे गलत हुए हैं जो पहली बार किए होंगे, ट्राई तो कर चुके होंगे, कौन से मैं ठीक कर सकता था, कौन से ठीक नहीं कर सकता था, क्यों ठीक नहीं कर सकता था। इतना फाइन एनालिसिस करोगे तभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। अच्छा आसान नहीं होता है, हर आदमी का सपना देखना आसान है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के 100 प्रोग्राम लिखवाते हैं मुन्ना भैया 3 महीने के कोर्स के अंदर, एक कोडिंग ब्लॉक कंपनी है उनकी, तो 100 सॉफ्टवेयर लिखने पड़ते हैं। जो 100 लिख पाता है उसी की जाके गूगल में जॉब लग रही होती है, चाहे वो आईटी का है चाहे नॉन आईटी का है, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो जो बच्चा 100 लिख पाता है और उसको 100 लिख के फिर उसको वर्किंग होता है, 100 तो मैं भी लिख दूंगा, उसको एक एक पॉइंट को देखते हैं वो कि दोबारा जाओ देखो बग खुद निकालो, ठीक है क्यों वर्क नहीं कर रहा। इतना फाइन, इतना जुडिशियसली जो आपका अपने को तैयार करता है वही अच्छा इंजीनियर बनता है। खाली इंजीनियर बनने से काम नहीं बनता है इंडिया में। इंडिया में अच्छी हाई क्वालिटी लोग पसंद किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। वर्ल्ड नीड्स गुड क्वालिटी इंजीनियर्स, वर्ल्ड डजंट नीड इंजीनियर्स, वर्ल्ड नीड्स डॉक्टर, नो, वर्ल्ड नीड्स गुड एक्सीलेंट डॉक्टर जो रिसर्च करके कोरोना की दवाई बना सकें। हर स्फीयर में टॉप लोग जरूरत है वनसार में, तो इसलिए ये टॉप लोग के लिए ऐसा कोई दवाई नहीं मिलेगी आईटी के अंदर कि आपको जो है सुबह दोपहर शाम को मेडिसिन दे देंगे आपकी इंटेलिजेंस ग्रो हो जाएगी। इंटेलिजेंस तैयारी करते टाइम ही ग्रो होती है। इस लॉकडाउन में क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट हो गया है अपने, जो है ये फेसबुक वाले बच्चे हैं कुछ हैं, अरे 10-10 साल पुराने 20 साल बच्चे मुझे मैसेज लिख रहे हैं, बातचीत हो रही है फ़ोन पे, सारी चीज़ें याद कर रहे हैं पुरानी, जो है कि भैया कैसे उन दिनों थे, उन्हीं दिनों की बदौलत मैं आज बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी एक बच्चा था उसको गूगल में अभी उसने जॉब ली है, टावर रिसर्च में करता था, उससे कल बात हुई, वो बता रहा था भैया डेज याद आ रहे हैं विद्या मंदिर के गाजियाबाद से आया करता था, 53 रैंक था उसका, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है जिसको फॉर्मेटिव ईयर कहते थे पहले, याद होगा, ये एक्सटेंड हो गए हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जेई मेंस के सारे पेपर को लेके 2018-19 के एक एक क्वेश्चन को देखना है। जैसे मैंने बताया ना कि मतलब जी क्या हो रहा है कि अल्कोक्साइड का एक क्वेश्चन है, ठीक है, अल्कोक्साइड जो है वो अल्कैलिक साइनाइड से डिफरेंट है क्योंकि वो सेकेंडरी टर्शियरी में एलिमिनेशन करेगा, प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन करेगा, विलियम सिंथेसिस हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग के अंदर। इसी तरह से कैलकुलस में होता होगा, इसी तरह से मैथ्स में होता होगा, इसी तरह फिजिक्स में होता होगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। समझ आ रही है बात बेटा, की बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है जो है, ठीक है ये समझो बात को, जो है क्रिटिसाइज करना मत करो। इंडिया के टिपिकल शौक होते हैं क्रिटिसाइज करना और क्रिबिंग करना। मैंने 2 बातें करता हूँ, सी फॉर क्रिब, सी फॉर क्रिटिसाइज। जब देखो आपने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने ये नहीं किया, स्कूल ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, ट्रंप ने ये नहीं किया, साला गाली दी, क्रिबिंग करे जा रहे हो, कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी, कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी, या फिर क्या कर रहे हो, वही क्रिबिंग हो गया हमारे लिए, ये नहीं हुआ, क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या हो जाएगा इससे, इससे क्या हो जाएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बैठा हुआ साला बोले जा रहा है आदमी गंजा जो है ये, ठीक है जी, मतलब जो कहे जाओ, कौन सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी, छोटा मोटा वो यूट्यूब पर कमेंट डाल दोगे, कौन ध्यान दे रहा है कमेंटों को, मॉडरेटर बैठे होते हैं डाल रहे हैं, मेरे एंटी कमेंट डाल रहे लोग, बच्चे हंस रहे हैं मेरे डाल रहे हैं, शामुन भैया गए, मुन्ना भैया गए, हमारी टीम के गए, कौन सुन रहा है ऐसे लोगों की। हमें तो बचपन में कहावत करी गई, कुत्ते भौंके 1000 जब हाथी चले बाजार, पंजाब की कहावत है, हम तो हाथी हैं भाई, हमें क्रिटिसाइज कर लो हमारे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों, हम इन जालू में हम अपने काम को बहुत प्रेम से, शिद्दत से, दिल से करते हैं। तो ये हुई जेई मेंस की बात, ठीक है जी, जेई एडवांस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। जेई एडवांस की 2 क्लासें ट्यूजडे और फ्राइडे रात को, ट्यूजडे और फ्राइडे रात को बाय रोटेशन, इस हफ्ते मैथ्स की और केमिस्ट्री की क्लास है, अगले हफ्ते फिर मैथ्स और फिजिक्स हो जाएगी, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। 2 दिन रख रहे हैं क्लास, 8:30 बजे रात को, बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं अमित भैया हमारे जो है,
जो साथ कराएंगे मैथ्स को और केमिस्ट्री में, मोहित भैया अगर आ रहे हैं एनएसपी में है, अमित भैया जो है हमारे मैथ्स के एचओडी कहाँ पे है, आनंद विहार सेंटर में है, आईटीएन है, दोनों लोग बहुत अच्छे से काम कराते हैं। ठीक है जी, मोहित भैया तो मेरी टीम के मेंबर हैं, बहुत शिद्दत से बहुत पॉपुलर हमारे बच्चों के साथ। ठीक है जी, तो ये दो क्लासें होंगी एडवांस के लिए, इसी को रखें, एडवांस के लिए बहुत टाइम है। मोमेंटम टूटता नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया आप मोमेंटम तोड़ रहे हो, नहीं नहीं मोमेंटम को रीबिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी एडवांस में कर लोगे, बहुत ज़्यादा कर लोगे, पीकिंग बिफोर द राइट टाइम, आप जब एग्जैक्टली एग्जाम आएगा आप एनर्जी लो हो जाएगी, टाइटाइफिस हो जाएगी। हमें धीरे धीरे स्लोली स्टडीली बिल्ड करते जाना, बिल्ड करते जाना है। हम आपके लिए अगस्त से जेई मेंस की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज दोबारा शुरू करेंगे, हम इस प्रोसेस में नए टेस्ट बना रहे हैं। एडवांस के लिए संडे को जो आ रहे हैं दो, अभी आज ये मंडे होगा जो क्लास होगी पहली, ट्यूसडे और फ्राइडे, फिर नोट कर लिया आपने, ट्यूसडे फ्राइडे एडवांस की क्लास, और मंडे से लेके वही जो है 13 से लेके 30 तक जेई मेंस का लाइव वेबिनार या प्रीमियर जो भी है यूट्यूब प्रीमियर एडवांस की क्लास होगी। तो क्या करेंगे, हर संडे एडवांस का प्रैक्टिस टेस्ट जो पहले भी होता था, एडवांस वन एडवांस टू वाले पेपर वन पेपर टू, वो होता रहेगा। जैसे भी उसमें ब्रेक देना होगा मैं आपको बताता रहूँगा, आता रहूँगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ चलेगी, समझ आ रहा है मेरे को जो है। और एक बात ध्यान रख लें, जो बच्चे विद्या मंदिर के बच्चे हैं एलएमएस के अंदर, मैंने 2000 पहले ही बताया था क्या, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 तक, तो लास्ट 7 ईयर के हमने एडवांस केवर भी आपके एलएमएस में डाल दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी और फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल कराया जाए, मेरी टीम लगातार कोशिश कर रही है, टेक्निकल टीम, वो तो सोती नहीं है, अभी मीटिंग शुरू हो जाएगी रात को जो है, रात के 1-2 बजे चलती है। तो वो एडवांस केवर भी जैसे मैंने बताया कि जेई मेंस केवर करने हैं वैसे ही आगे, अभी तो क्लास ले लो, वैसे जब भी टाइम मिले लिखते जाओ, आज 2013 पेपर कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव आए, क्या नेगेटिव आए, क्या कमियाँ, क्या चीज़ें, एडवांस का बनाते रहो, 3 दिन में पेपर कर लो, अगले इस हफ्ते 2 पेपर ही कर लो, 2 क्लास ले लो एडवांस की, 2 पेपर कर लो, अगले हफ्ते फिर 2 क्लास हो जाएंगे, 2 पेपर कर लो, इस तरह चलते जाओ। और थोड़ा विश्वास रखो हम पे, जब हम 2020 बच्चे के लिए इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं तो लगाते ही रहेंगे जब तक एंड तक आएगा। न्यूज़ आ चुकी है क्या कि वीआरटी एग्ज़ाम नहीं होगा, वीआरटी एग्ज़ाम जो है एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी, अब आ गई है, ख़त्म होगी, भूल जाओ। बिट्स का एग्ज़ाम होगा, बिट्स का एग्ज़ाम ट्रेलर ही होता है किसके लिए, जेई मेंस के लिए, उसके भी थोड़े दिन पहले एक टिप्स डाले हमने बिट्स के, आपको हम 3 प्रैक्टिस टेस्ट डाल चुके हैं एलएमएस में डाल चुके हैं, कुछ हमने एक बिट्स की सीडी दी थी, मैं अपनी टीम से, वरुण है जो भैया हमारे ये करेंगे इसको, मेरी वीडियो को डालेंगे, उनसे बोलूँगा कि किसी तरह से मेरी टीम के जो वीडियो सुन रहे होंगे, हमने कुछ 2018 तक कुछ पेपर डाले थे बिट्स के, वो फ्री में अवेलेबल कराए जाएँ आपको, मेरी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन रहे होंगे वो कुछ तरह से वेबसाइट पर डाला जाए, गिव अस 1 वीक, हम वो प्रैक्टिस पेपर बिट्स के डाल देंगे सबको, या कुछ भी करेंगे, मेरी टीम वर्क करेगी। तो ये बातें थी, मैंने आपसे कहा, थोड़ी हार्श बातें भी करता हूँ कभी कभी, मैसी मजाक भी करता हूँ, तो आप, मैं बड़े भैया जैसा हूँ, आपको मेरी बात को माइंड नहीं करेंगे, और एक ही बात को सोचेंगे, विचारेंगे, ये आदमी क्यों इतने शिद्दत पैशन से बोल रहा है। ठीक है जी, तो एक बार दो बार इस वीडियो को सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वैसे बता दूँ आप, विद्या मंदिर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। हम मुन्ना भैया ने अभी कल एक बहुत बढ़िया 2000 बच्चे लाइव थे वीडियो बनाया, जिसके अंदर क्या था अभी, हाउ टू स्टडी, कितने घंटे स्टडी करना, अभी वो कुछ फ्लैश कार्ड के लिए ट्यूसडे को शायद या थर्सडे को एक वीडियो सेशन लगा रहे हैं, वही लाइव होगा ये यूट्यूब वेबिनार, उसमें भी जाएँ अटेंड करें। ठीक है जी, उसमें बताएंगे कैसे एक लिस्ट बनाई जाती है फ्लैश कार्ड की, और फिर मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा पेरेंट्स से बड़ा हूँ, मेरे बालों का भी लिहाज है थोड़ा सा, गंजी डांड का, ठीक है जी, बाल्ड हेयर का, हेड का जो भी है, तो मैं पेरेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लाइव होगी, आप पेरेंट्स को बैठा के लाएँ, अब यहाँ क्या बात करते हैं वहीं बात करेंगे पेरेंट्स के लिए, और मैं स्पेसिफिकली करूँगा, आप क्लिप दिखा देना 2020 के पेरेंट्स को कैसे रोल करना चाहिए, 11th के बच्चे हुए पेरेंट्स को कैसे रोल करना चाहिए 12th के लिए, तो हम आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो आपने बहुत प्रेम से इस वीडियो को सुना, देखा, फिर मैंने पिछली क्लास में कहा था सुनने देखना बड़ा आसान होता है, अभी एक ब्रीथ सीरियल चल रहा था वो देख रहे थे, देखने से कुछ नहीं होता है जब तक दिल में नहीं उतरता है, दिल में उतरता है तो फिर फॉलो करने की इंस्ट्रक्शन नहीं आती है, नेचुरली ये फॉलो होती हैं, क्योंकि बातें सारी काम की हैं, कोई बातें आप चैलेंज नहीं कर सकते मेरी जो है, मैं इतने समझ से अंडरस्टैंडिंग से बोलता हूँ। ठीक है, तो हाथ जोड़ के थैंक्स करता हूँ, फॉलो करें, दिल में उतारें, अंडरस्टैंड करें, सोचें दिमाग से, आपको बात ठीक लगी है तो फॉलो करें, और आई एम कॉन्फिडेंट आवाज़ ठीक ही बोल रहा हूँ, ठीक लगेगी आप फॉलो करोगे। ठीक है जी, फिर लौट के आऊँगा जब भी मौका मिलेगा, 2020 के बच्चों को कॉन्स्टेंटली जब भी टाइम मिलेगा मोटिवेट करता रहूँगा। तो सी यू ऑन जो है लाइव वीडियोज़, जो मेरे पेरेंट्स के लिए होगा, मुन्ना भैया का कैसे फ्लैश कार्ड बनाए जाते हैं, अभी बहुत लंबा पीरियड है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, बाय, चीयर्स।